तो ये सब बताता था वो कि कुरान में, जैसे आप यहूद का मैं बता रहा हूँ, यहूदी का, कि यहूदी भी रोजा हाँ रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो मैं सोचने लगा, अरे यार ये कैसा बात हुआ, अरे अल्लाह को भाई, अगर, तुम यहूदी की बात करते हो कि ये इतना बड़ा नालायक है, जाके नालायक, कि यहूदी का बोलता तो भी थोड़ा बहुत समझ में आता। इसने तो सनातन में भी नमाज को साबित करने की कोशिश की है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। फैसल साहब अनम्यूट कर ले। बिल्कुल अरे साहिल भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हैं सर, कैसे हैं आप? साहिल भाई, क्या बोलूं, बहुत दिन से इंतजार कर रहा था आपसे बात करने। मेरी अरे आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, आप मोमिन हैं? नहीं भाई, खत्म, टाटा खत्म खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। टाटा बाय बाय हो गया, और आप ही लोग की वजह से हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का मेरी आंख पहली खोलने बार के जुड़े हैं लिए। या इससे पहले भी जुड़े थे? खत्म, जी मैं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पोस्टेड इमाम के साथ, लेकिन आपके साथ बहुत मुश्किल हो रहा था। यानी जब मैं कोशिश कर रहा था तब स्टूडियो फुल, स्टूडियो फुल। अभी मैं तो आया हूँ आपके पहली बार, पास। मतलब फर्स्ट टाइम ये चैनल पे जुड़े हैं ना आप? जी। हाँ, नमाजें कुछ पढ़ते थे जरूर। आप? जी मैं 1 साल से, अभी मेरी उम्र 30 साल है। तो आप तो जानते हैं, मुसलमानों में प्रॉपर नमाज कोई नहीं पढ़ पाता है जल्दी। तो कभी नमाज ओके। पढ़ते थे, कभी छोड़ते थे। लेकिन मैं 1 साल से, अभी 2023 से, 1 साल से कंटिन्यू पढ़ रहा था। हाँ लेकिन साहिल भाई, प्रॉब्लम क्या है ना, मैं ये मानता हूँ अब कि मैं अपने टीनेजर से ही ना एक्स मुस्लिम था, मुझे अब लगता है ऐसा ऐसा। क्योंकि ना मेरे को ना यकीन बैठ नहीं पाता था किसी चीज का, लेकिन वो इतना प्रेशर और इतना बिलीफ था कि उस चीज को नजरअंदाज कर देता था हमेशा हमेशा, तो कुछ भी सर, सुना। 1 साल पहले नमाजें पढ़ते थे? हाँ, 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ा ओके, मैं, तो बता आयतुल रहा कुर्सी याद मैं। है? जी आयतुल कुर्सी याद है आपको? नहीं याद है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको अपने प्रूफ के लिए कुल अल्लाह वहाद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद इन्ना अतैना कल कौसर, मैं सुना सकता हूँ ये सब। तो सुनाइए साहिल भाई क्या है ना, तो सुनाइए प्रॉब्लम सुनाइए, क्या, सुनाते जाइए। इन्ना अतैना कल कौसर फसल रब्बे का वनहर इन्ना शानिये का वो लबतर लॉज रब्बिल और नास मालिक नास लईम नास मिन सरिल वसवास कन्नास अल्लजी यवसवसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और सुनाओ, अलम तरह, अलम अलम तरह, तर कई फफा अल रब्बुका बि असाबिल फिल अलम यल कई दम फी तजलील व अरसल अलैहिम तरन वबिल तरमीम बिजारति मिन सिजिल फजरहुम फजरहुम कासिर माकू। वजू में कितनी रकात होती है? हाँ, वजू में रिकात कहाँ से आ गए साहिल साहब? ओके, थैंक यू। अच्छा, ये हमारे जो छोटे गिरगिट है, मेरे को कुछ लोगों ने क्लिप भेजा था छोटे गिरगिट की, और देख के ही छोटे गिरगिट को हंसी आ जाती है। तो इन लोग ने एक नया शोशा छोड़ा है। नया शोशा ये छोड़ा है कि कोई मोमिन जाता है, यानी जो एक्स मुस्लिम हो जाता है, तो वो उसको इस तरीके का सवाल करते हैं। फिर मोमिन हजरात भी वो कमेंट इवेंट में सवाल करते हैं कि भाई वजू में कितनी रकात। तो जाहिर सी बात है कि वजू जो है उसमें, फराइज होते हैं ना, वजू के कितने फराइज है ये होते हैं। हाँ, तो अब वो जो जाता है बेचारा, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ बोल देता है तो कहते हैं कि देखो यार, ये तो एक्स मुस्लिम था ही नहीं, ये फेक बन के आते। भाई हम तो यहाँ पे, वो तुम्हारे पास, तुम खुद बिठाते रहोगे ऐसे लोगों को ला के, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास पे झूठे एक्स मुस्लिम आते। यहाँ पे तो हम बाकायदा टेस्ट लेते हैं, और बल्कि वो मुसलमान जो कि पैदा हुआ है मुसलमान घराने में
और तुम खुद भी उसको मुसलमान ही समझते हो, लेकिन उनको कुछ आता जाता नहीं क्योंकि वो नमाज भी नहीं पढ़ते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुरान भी सही से पढ़ने नहीं आता है, तो हम तो उनको मौका भी नहीं देते, हम तो कहते हैं कि भाई तुम प्रॉपरली मुसलमान थे ही नहीं तो तुम्हारा इधर काम ही नहीं है, तुम काफी जाओ। तो हम तो यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट लेते हैं छोटे क्रिकेट। तो इस तरीके से आप अगर बदनाम करने की कोशिश करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एटलीस्ट आप हमारे लिए ये चीज नहीं कह सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट लेते। अच्छा, छोटे गिरगिट को शायद ये नहीं मालूम होगा कि वजू करते वक्त तो कोई नमाज रकात नहीं होती, लेकिन अगर तेरे सवाल का अगर मैं ये भी जवाब दूं कि दो रकात है तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको शायद ये मालूम हो या नहीं मालूम हो, इस्लाम आता जाता हो या नहीं आता जाता हो, आपको पता होना चाहिए कि एक होती है तहियतुल वजू। तहियतुल वजू क्या है? तहियतुल वजू ये है कि आप जब वजू करते हैं तो आप उसके बाद दो रकात नमाज पढ़ते हैं, तो अगर कोई दो रकात कह भी दे तो वो कोई गलत नहीं है, तहियतुल वजू होता है, वजू के बाद आप दो रकात पढ़ते हो उसको तहियतुल वजू कहते हैं। उसी तरीके से तहियतुल मस्जिद भी होता है, जिसमें आप अगर मस्जिद में जाते हो तो पहले दो रकात नमाज पढ़ते हो। तो छोटे गिरगिट, थोड़ा इस्लाम को अच्छे तरीके से सीखो। श्रीकांत भाई कह रहे हैं प्लीज रिप्लाई टू मी, यू एंड नन ऑफ यू शुड हैव टू वरी अबाउट फाइनेंसेस इन फ्यूचर, आई विल टेक केयर। श्रीकांत भाई शायद आप वही है जिन्होंने यार मेरा बैंक अकाउंट मांगा था, मुझे पता नहीं, याद नहीं है। अगर ऐसा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि मैं आपको वहां पे जो भी डिटेल्स आपको चाहिए मैं वहां पे शेयर कर सकूं। जी फैसल भाई, आप टेस्ट तो पास हो गए, और जो मोमिन हजरत है बाकिर गिलकर, जरा अपने माइक और कैमरे की परमिशन जरा दे दे ताकि आपको हम ले सके। चलिए ड्रॉप हो गए। और मिस्टर खास साहब, आप भी अगर मोमिन है तो जरा, चलिए आपने परमिशन दे दी है, मैं भी आपको लेता हूँ। अरे आफरीन जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ रही है। पहली फुर्सत में छोड़ दो स्टूडियो, नॉन मोमिन हो यार, पब्लिक को चैट में पूछ लो नॉन मोमिन स्ट्रीम कब है। अच्छा क्या यार, नॉन मोमिन स्ट्रीम है ये पूछने के लिए तुम अपना स्ट्रीम में जुड़ रहे हो, यार क्या अजीब बात है। हाँ फैसल भाई, तो यानी क्या हुआ ऐसा कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, मेजर पॉइंट्स बताइए। साहिल भाई मैं बता रहा हूँ ना, मेरे अंदर ना शक का कीड़ा ना शुरू से था, जब मैं टीनेजर में भी था तो इस्लाम की बहुत सारी बातें सुनता था तो हजम करना मुश्किल होता था, लेकिन आप तो जानते हैं ना, अगर आपका माहौल ऐसा हो इस्लामिक हो, हालांकि मेरे घर का माहौल बहुत ज्यादा इस्लामिक नहीं था, लेकिन तब भी दोस्त यार जिस एरिया में रहना वहां पर ही जलसे जुलूस होना, तो उसका इम्पैक्ट पड़ते रहा, तो ये चीज मेरे ऊपर हावी नहीं हुआ कभी भी, जो मेरे अंदर ये सब जो इस्लाम को लेकर गलत फहमी आती थी, तो मैंने डिस्कस की इसके बारे में अपने दोस्त से जो बहुत ज्यादा रिलीजियस था, तो बोला देखो ये आम बात है, अगर एक मोमिन के अंदर ये सब ख्याल आ रहा है ना तो और परेशान हो रहा है तो अलामत है अच्छे ईमान की। तो वहां से तो मैं मोटिवेट हो गया, मैं बोला चलो अच्छी बात है। मैंने बोला कि कंफर्म है कि ऐसा होता है? बोले हाँ, जिसको आता है अगर वो परेशान हो रहा है यानी वो खौफ कर रहा है कि चलो भाई मेरा दिन कहीं मेरा ईमान खराब तो नहीं हो रहा ना इससे, तुमको अगर परेशानी हो रहा है तो इसका मतलब अच्छी बात है, तो वहां से मैं रिलैक्स हो गया। लेकिन साहिल भाई वही बात है ना, आप तो रिलैक्स हो जाओगे लेकिन जो इनलॉजिकल बात है उसको कैसे आप हजम कर पाओगे? सही बात, तो क्या बात है इनलॉजिकल लगी आपको? तो हुआ क्या मैं बता रहा हूँ, तो मैं ना देखिये जाकिर नायक को सब आइडल मांगते हैं इंडिया में, इवन पाकिस्तान में सब जगह बहुत से लोग मानते हैं। हाँ, मेरा उल्टा केस है, मैं जब जाकिर नायक को सुनने लगा ना तो वो एक्स मुस्लिम का सबसे बड़ा बीच उसी के पास से ही मेरे अंदर आया। अरे वाह, सुनने वाले बहुत परेशान होंगे कि कैसे भाई जाकिर नायक का क्या बात था, तो मेरे को ये नहीं पता था पहले कि कुरान में या हदीस में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी बातें की है ये और कहीं मेंशन नहीं है, ये मुझे पता नहीं था। टू बी ऑनेस्ट मुझे को लगता था कि ये सब पूरा यूनिक है, मतलब इस्लाम में ये सब चीज यूनिक है, इस्लाम के अलावा और कोई नहीं बात करते इसके बारे में। लेकिन जाकिर नायक का अगर आपने देखा होगा तो वो रिलीजन कंपैरिजन के ऊपर बहुत वीडियो बनाया है, याद है ना आपको साहिल भाई? हाँ, वो बताता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अलग मजाहब में, बाइबल में, तोरा में, तो
ये सब बताता था वो कि कुरान में, जैसे आप यहूद का मैं बता रहा हूँ, यहूदी का, कि यहूदी भी रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो मैं सोचने लगा, अरे यार ये कैसा बात हुआ, अरे अल्लाह को भाई, अगर तुम यहूदी की बात करते हो, यहूदियों से तो रसूलुल्लाह ने बहुत सारी चीजें कॉपी तो पेस्ट शायद की है। मुझे नहीं पता था ना, मैं वही बता रहा हूँ, ये चीज मुझे प्यारे नहीं पता था। भाई, तो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं एक सिर्फ इसमें पॉइंट जोड़ना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा नालायक है, जाकिर नालायक, कि यहूदी का बोलता तो भी थोड़ा बहुत समझ में आता। इसने तो सनातन में भी नमाज को साबित करने की कोशिश की है। बोले सनातन में किताबों से वो अष्टांग, मेरे ख्याल से अष्टांग कहते हैं उसको, 8 अंगों को ये करना, टेकना, तो बोले ये तो मुसलमानों वाला सजदा है। तो ये इतना बड़ा नालायक है और इतना गिरा हुआ इंसान है कि बातों को यहां वहां ट्विस्ट करके ये लोग किसी को भी, यानी दूध को दही बना दे, दही को खीर बना दे, खीर को चीर बना दे, इनका कुछ भरोसा नहीं। साष्टांग, अच्छा अष्टांग नहीं, साष्टांग, ओके जो भी है। लेकिन वो इस तरीके का हरामीपन उसने कई बार किया हुआ है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जी भाई, हाँ फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ, तो ये तो शायद भाई मुझे पता नहीं थी, तो मैं बहुत हैरान हूँ, अल्लाह ऐसा कैसे कर रहा है। अगर मान लो यहूदी 2 रिकात नमाज पढ़ते हैं और रोजा रखते हैं, ठीक है, तो अगर अल्लाह उसको ही समझाए ये चीज, तो ज्यादा आसानी होगा ना एज कम्पेयर टू मुस्लिम, कि भाई तुम अब हाँ 2 रिकात नमाज मत पढ़ो, 5 पढ़ो, तुम रोजा ऐसे हाँ मत रखो, ऐसे रखो, तो ये तो ज्यादा ईजी होगा ना, कि एक सही, नया दीन को आप पूरा का पूरा इस्टेब्लिश करना। मतलब ये कैसा है यार, ये समझ के बाहर है एकदम। उसके बाद उसकी मेरा वजह है ना स्टार्टिंग भाई, ये, उसकी वजह ये है। ये वजह जानने के लिए आपको हमारी पहले वाली स्ट्रीम देखना पड़ेगा, और उसमें हमने बताया था, अल्लाह खुद कहता है कि वो जिन आयतों को बदलना चाहता है, यानी मंसूख करना चाहता है या भुला देता है वो, तो उससे बेहतर या उस जैसी आयतों को वो फिर लेके आता है। तो इससे साबित होता है कि उसके जो अहकाम है जिसको उसने भुला दिया या मंसूख कर दिया, तो वो परफेक्ट नहीं थे। इस वजह से उसको नए नए अहकाम देने पड़े, पुराने अहकामों को रोकना पड़ा। तो इससे साबित होता है, ये बात तो हमने साबित की, उसकी वजह ये है जो आपका सवाल है। तो ये इम्परफेक्ट खुदा है जो इस्लाम वाला खुदा है। जी जी। और दूसरी बात क्या है ना साहिल साहब, कि देखो मैं सच बताता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था, कि मैंने हदीस खोल लिया, मैंने क्या कर रखा था ना, एक बड़े बड़े उलमा को फॉलो कर लिया था और उनका ही क्लिप देखकर। अब देखिए, एक चीज को अगर 10 उलमा बता रहे तो ये समझ में आ जाता है ना कि भाई ये सही बात है, तभी तो सारे उलमा इतने ये बात करते। ऐसे देख करके मैंने हदीसें सीखी, तो मैं जब हदीस सुनता था तो मेरे को लगता था कि यार क्या हो रहा है, इस्लाम हाँ में लालच और डर का इतना अच्छा पैटर्न सेट किया हुआ है ना, जो कोई भी रिलीजन उसको बिट नहीं कर सकता। ये बात आप मानते हैं ना साहिब साहब, क्या कहने, बड़ा डर जबरदस्त। डर और लालच का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन। देखिए कैसे, आप सुनते होंगे कि तारिक जमील को उठा लेते हैं, तारिक जमील साहब को, वो उनके पास तो ऐसा वजीफा है कि आपको लगने लगेगा कि इस्लाम से मीठा कोई मजहब ही नहीं, अगर आप तारिक जमील साहब को सुनेंगे तो। उससे ज्यादा मेरे को फैब्रिकेटेड इंसान ही नहीं लगता है। अभी मैंने हाल ही में उसका एक शो देखा था पाकिस्तान में, वो लाइव शो कर रहा था जहां पर वो आखिरत के बारे में बता रहा था, और पूरा एक्टिंग करके बता रहा है, मतलब कैसे गिर जाएगा वो, गिर जाएगा। उसके बाद मैंने आपके स्ट्रीम में किसी से सुना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, जिसने ये पूरे हदीस से साबित किया था कैसे पैदा हुए, और इसका जब मैं सुन रहा था तारिक जमील साहब का, ये क्या बताते हैं आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। ये बोल रहे थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो दोनों हाथ को करवट लिया पहले। अब सबके हाँ साइंस के खिलाफ बात है कि कोई भी न्यू बॉर्न चाइल्ड करवट तो ले ही नहीं सकता, सबसे पहली बात है, पहले करवट लिया, उसके बाद दोनों हाथ को सजदा में रखा, और उसके हाँ बाद पूरा झुक गया, यानी जैसे नमाज पढ़ा जाता है, हुजूर हाँ सल्लम पैदा होते ही संग नमाज पढ़ने लगे। ये साबित क्या है, हाँ साबित क्या, वो तो रेफरेंस देता नहीं है तारिक जमील साहब, आपको पता ही होगा, वो सारा हाँ बात ऐसे ही करता हो, कभी जिंदगी में रेफरेंस नहीं देता। तो मैं, ये तो क्लियर हो गया था क्योंकि मैंने आप लोगों का स्ट्रीम में सुन चुका था ये चीज, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसी, और ऐसा भी नहीं है कि सुना था तो सिर्फ आप लोगों ने मुंह से बोला था, रेफरेंस के साथ दिखाया था हदीस का, और मैं वो नोट भी करता हूँ, जो भी हदीस आप लोग में डिस्कस होता है सब चीज मैं नोट करता
ओके ये तो तारिक जमील साहब का हो गया। उसके बाद मैं ऐसे दीन को सीखा, स्क्रॉल करके, वो वीडियो देखकर, वो मौलाना को देखकर, जाकिर नायक को देखकर, तो मेरे को मोटा मोटी अच्छा खासा इंफॉर्मेशन हो गया। ऐसा हो गया था कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ एटलीस्ट। उसके बाद भाई अचानक से क्या हुआ ना, जब मैं नमाज पढ़ता था ना, तो मैं एक साल से नमाज पढ़ रहा था, अभी रिसेंटली अभी मैंने छोड़ा है, एक महीने हो गया उनको छोड़ते हुए, यानी दीन को भी छोड़ा और नमाज को भी छोड़ा। तो एक साल मेरे पहले आपने दिल में नमाज पढ़ी थी ना, अभी नहीं, स्टार्टिंग में एक साल आपने। तक नहीं, नहीं एक साल तक पढ़ा और एक महीने हाँ पहले, यानी एक महीने पहले एक साल हुआ पूरा, ये बोला मैंने। अच्छा ओके तो मैंने जब नमाज छोड़ दिया तो मेरे को ना अपने आप में तसल्ली के लिए ना एक एक ख्याल आया मेरे दिल में कि हाँ मैं देखूं तो कि कुरान में कुछ एरर है कि नहीं। तो मैंने जस्ट लिखा हाँ कि यूट्यूब में एरर इन कुरान, मैंने अपने ओके तसल्ली के लिए कि मैंने छोड़ दिया नमाज, मेरे को कुछ लग रहा है ऐसा, तो मैं देखूं क्या दीन में कुछ गड़बड़ है क्या। तो मैंने जस्ट हाँ यूट्यूब में लिखा एरर इन कुरान, तो मेरे पास जफर हैट्रिक का वीडियो आ गया। तो ओके भाई आपको तो पता है जफर हेरेटिक क्या चीज है, वो तो पूरा मोनोलॉग बना के रखे सारा चीज। तो उसका एक वीडियो देखा मैं, बहुत मैंने क्या बोलूँ, आपको तो पता ही होगा जो मुस्लिम रह चुके हैं, अगर उसको अचानक से दीन की सच्चाई पता चल जाए तो उसको क्या हाल होगा, आप ये चीज जी अच्छे से समझ सकते हैं साहिल सर। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने हाँ डायरेक्ट वो वाला चीज देख लिया था उनका, जहां पर वो बोल रहे हैं ना कि जब वही आती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो एक बंदा नोट करता था और वो हाँ बंदा बोलता था या या रसूलुल्लाह, अगर इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखे तो कैसा रहेगा। बोले हाँ हाँ लिख लो बढ़िया रहेगा। उन बोला यार ये कितना गड़बड़ वाला चीज है यार, ये तो बंदा गुमराह कर रहा है। जबर हेरेटिक के बारे में मैंने सोचा। तो फिर आपको मालूम है ना, यूट्यूब में हर चीज का उपाय है, अगर कोई बंदा कुछ गलत बोल रहा तो उसको भी एक्सपोज करने के लिए कोई आदमी है। तो एक हाँ पाकिस्तानी लड़का मिला जो उसको एक्सपोज कर रहा था जफर हाँ हेरेटिक, तो वो बंदा का जब मैं सुना मेरे को एकदम दम नहीं लगा। बोले यार क्या ये एक्सपोज किया है, हर चीज को बोल हाँ रहा है अपने हिसाब से, कोई लॉजिक नहीं दे रहा है। मैंने छोड़ दिया, मैंने स्टॉप हो गया। उसके बाद मुझे आपका स्ट्रीम मिला, एक मुस्लिम साहिल। मैं ओके आपका स्ट्रीम कहाँ से स्टार्ट किया देखना, जो आप जयपुर डायलॉग वाले के साथ इंटरव्यू कर रहे थे ना, जी जी और जिसमें आपने ओम वाला अजान दिया था, वहां से मैंने आपको स्टार्ट किया देखना। तो अच्छा मैंने भाई सच बोलूं, स्टार्टिंग जो जर्नी हुआ ना आपके बातों से हुआ, मैं आपको सराह नहीं रहा हूँ, मैं अपना एक फीलिंग बता रहा हूँ। स्टार्टिंग जो मेरा जर्नी हुआ, जब मैंने आपकी ओके बात सुनी तो आपने सारा कुछ बताया कि मैं ऐसे काम करता था, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, तबलीग भी करता था, और जब आपका करात उरात सुना तो मेरे को लग गया भाई आप पक्के मोमिन थे, यानी हाँ दावत देने वाले मोमिन थे। और फिर आपने थोड़ी देर बाद ये बात मेरे दिल में आया और आपने थोड़ी देर बाद बता भी दिया कि मैं दावत भी देता था, तो मेरे को एकदम पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया आपको देखना। अब ऐसा नहीं है, कोई भी ओके मुस्लिम के दिल में अगर कोई शक पैदा हो तो वो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम वो निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि मैंने देखा मैंने मान लिया कि इस्लाम गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है एक मोमिन के लिए। उसको अगर आप वीडियो भी दिखा देंगे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत का कि उन्होंने क्या किया, तब भी वो नहीं मानेंगे, कि हाँ वो टाइम लेगा ही लेगा अपने आप को सेटिस्फाई करने के। तो मेरा साथ भी यही हाँ हुआ, मैंने आपका वीडियो ओके देखा, आपका स्ट्रीम देखा, बहुत शक पैदा हुआ, तब भी ईमान का जो पावर था हावी हो रहा था उसके ऊपर कि नहीं, क्योंकि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज सेट करके रखा है, इस्लाम में हाँ सब सेट करके रखा है। वो ये भी बता दिया है कि देखो एक दौर ऐसा आएगा कि मेरे खिलाफ होंगे लोग, गलत बोलेंगे इस्लाम को, तब तैयार रहना है तुमको। तो ये हाँ सब चीज मेरे को रोक लेती थी, आप समझ रहे हैं ना। कह रहे यार इस्लाम में तो बोल दिया गया कि इस्लाम को बदनाम करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, आपको साबित कदम रहना है। मतलब हो हाँ सकता है ऐसा हो कि कोई बहका रहा है ये कर रहा है, हम साबित कदम रहेंगे, लेकिन बस वही बात है कि लॉजिक अगर नहीं रहा किसी चीज में तो आप जितना भी कर लो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और जो भी थोड़ा दिमाग हाँ से सोचता है उसके दिमाग में खलबली मचा रहेगा। उसके बाद 6 साल वाली आयत रही है, छे आयशा का 6 साल में जो निकाह हुआ था, वो वाला बात तो मैं बहुत पहले सुन चुका था, लेकिन मेरे को ना उसमें क्या है साहिल भाई, मैं सही बता रहा हूँ, वो मेरे को ना बहुत ये लगता है कि अरे यार वो लोग कबायली लोग थे, अरब के लोग थे, अगर कर भी दिया तो क्या हर्ज, क्या लेना हाँ देना उससे। उसके बाद ना मेरे को एक नया हदीस मिला, क्योंकि मौलाना लोग को दिखता था तो वो सब तो हदीस बताएंगे नहीं, अपनी बहू से शादी करने का ये जो पॉइंट था खत्म, यहीं से, यहाँ से समझिए कि एकदम खत्म वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया।
मैंने बोला क्या एक बात। बंदा अपने एक बच्चा को, बच्चा तो पाल रहा है, बेटा बोल रहा है उसको, उसके बाद उसका शादी भी वही कराया होगा डेफिनेटली जैनब से, चलो हाँ भाई तुम शादी कर लो। उसके बाद क्या हो रहा है कि उसको दिल आ गया उसके ऊपर, तो उसका उसको निकाह उससे कर ले रहा है, और अल्लाह भी संग संग आयत उतार रहा है कि तुम पर किसी का जिम्मेदारी नहीं है, तुम किसी के बाप नहीं हो, और कोई भी मुंह बोला रिश्ता नहीं होता। तो यार ये तो गेम है एक तरह से, मतलब अगर इनको जो चीज पसंद आ जा रहा है तो वहां पर ये आयत भी आ जाता है, इसके हक पे आ जाता है। कहीं पर ये ऐसा नहीं होता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि देखो मैं ये चाह रहा था लेकिन अल्लाह ने बोला कि नहीं मोहम्मद ये चीज गलत है मत करो, कहीं नहीं मिलेगा, सही। ऐसा है ही नहीं। उसके बाद नहीं, भाई एक मैं मिसाल देता हूं और उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलर की तरफ भी बढ़ेंगे। फैसल भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप इस गंदगी से बाहर निकले, आपको समझ में आई, आपने अपना जहन दौड़ाया और दिमागी अपंगता से आप बाहर आए। एक चीज में अल्लाह ने रोका है, डांट ही दिया है, मतलब डांट के बराबर ही है, वो ये था। अच्छा, उसमें भी असल में फायदा रसूलुल्लाह का ही था, तो वो स्ट्रीम भी गालिबन हाँ मैंने कर दिया है ऑलरेडी, अभी थोड़े दिन पहले ही की थी। एक जगह पे अल्लाह ने सिर्फ रसूलुल्लाह को ये डांटा है और मना किया है, वो ये था कि रसूलुल्लाह ने अपने ऊपर, सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की आयत नंबर 1 है, उसमें अल्लाह फरमाता है कि ए नबी, आप उस चीज को अपने ऊपर कैसे हराम कर सकते हो जिसको अल्लाह ने आपके ऊपर हलाल किया है। अब इसकी अगर आप तफसीर देखें इस आयत की, इसका शान नुजूल देखें, तो वो दो चीज मिलती है। एक चीज तो मिलती है शहद के बारे में कि बीवियों ने प्लान बनाया कि हम कहेंगे कि शहद पी के आए हो, उसमें मगाफिर है या मगाफिर की बदबू आ रही है। एक वाकया ये मिलता है जो कि सेंस नहीं बनाता, क्योंकि एक शहद को शहद के वजह से अल्लाह के रसूल जो है वो बीवियों से नाराज हो जा रहे, एक एक महीने तक उनके पास नहीं जा रहे, अल्लाह कुरान से आयत नाजिल कर दे रहा है और फिर उसमें आयत में ये भी कह रहा है कि तुम अपनी बीवियों को खुश करने के लिए तुम इस तरीके के काम कर रहे हो, और वो बीवी अगर सुधरे नहीं तो उसके खिलाफ अल्लाह है, फरिश्ते हैं, मलाइका है, नेक मोमिन हजरात है। तो ये शहद वाला मामला जो है वहां पे फिट, लॉजिकली अगर आप देखें तो फिट नहीं होता है। दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला ये है कि वहां पे और एक एक चीज मिलती है तफसीर में भी, और सुनन नसाई की एक हदीस भी है जहां पे अल्लाह के रसूल ने मारिया किप्तिया के साथ वो सेकस फरमा रहे थे, हम बिस्तरी फरमा रहे थे, डिंगी डिंगी मुबारक फरमा रहे थे, तो वो भी दूसरी बीवी के घर पे उसके बेड पे, तो वो बीवी ने देख लिया था। तो उस पे जब वो रंगे हाथ पकड़े गए रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह घबरा गए, डर गए। रसूलुल्लाह ने उनसे कहा, हफ्शा थी मेरे ख्याल से, हफ्शा हफ्सा हफ्सा हाँ के, हफ्सा के बिस्तर पर भर रहे थे डिंगी डिंगी। हाँ, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं ये बात को जो है तू किसी और को, और खास करके आयशा को मत बताना, मैं अब से मारिया किप्तिया को अपने ऊपर हराम करता हूं। हालांकि वहां पे बीवी ने ये भी कहा कि तफसीर में ये चीज मिल जाएगी आपको, बीवी ये भी कहती है कि ये तो आपके ऊपर हलाल है, आप इसको हराम कैसे कर सकते हो। फिर भी रसूलुल्लाह ने उसको हराम किया, लेकिन अब चूंकि ये औरतों का मामला है, औरतों में थोड़ी सी जेलेसी भी होती है, और ये तो बड़ी बात थी कि उनके बिस्तर पे ही लेके चले गए रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया को डिंगी डिंगी मुबारक करने के लिए। तो बिलाखिर हफ्सा ने आयशा को ये चीज बता दी, तो उस पे अल्लाह ने फिर आसमान से आयत नाजिल कर दी कि ए नबी, आप उस चीज को अपने ऊपर हराम कैसे कर सकते हो जिसे अल्लाह ने आपके ऊपर हलाल किया है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह टोकता नहीं है, तो अल्लाह ने यहाँ पे टोका है, और वो इस वजह से टोका है क्योंकि उसमें भी रसूलुल्लाह का फायदा था, क्योंकि अगर अल्लाह उसको हराम कर देता स्लेव्स के साथ सेक्स करने को, तो एक तो दुनिया भर की जो ये बीमारी है इस्लाम में कि स्लेव्स के साथ आप सेक्स कर सकते हो, ये खत्म हो जाती, और दूसरा रसूलुल्लाह को डिंगी डिंगी करने के लिए एक पार्टनर जो है वो कम हो जाती। तो यहाँ पे अल्लाह ने उनको डाटा तरीके से अपना ही नुकसान करके मतले, मैं मौजूद हूँ सातवें आसमान पर, मैं तो हर रात पहले आसमान पर आता भी हूँ, मैं मौजूद हूँ, टेंशन नहीं लेने का, तेरे लिए मैं आसमान से आयतें उतारूंगा। तो मेरे प्यारे नबी, मेरे महबूब, तू गमगीन ना हो, अपने अपनी बीवियों की बातों का टेंशन ना ले,
मैं मौजूद हूं तेरी खुशी, तेरी तेरी डिजायर को पूरी करने के लिए। तो अल्लाह ने वहां आसमान से पटपट जो है आयत नाजिल कर दी। और एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल जब हिबा का मामला हुआ तो हजरत आयशा कहती है कि आपका रब जो है वो आपकी ख्वाहिशों को पूरी कर जल्दबाजी करता है। तो हजरत आयशा, अम्मी आयशा जो कि एक्स मुस्लिमों की सरदार है, यानी पहली लेडी है एक्स मुस्लिम, तो उन्होंने रसूलुल्लाह की इन बातों को बयान किया हुआ है जो कि ऑथेंटिक अहादीस का हिस्सा बनी है। तो फैसल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और जी जी साहिब भाई, आपकी बात करके बहुत अच्छा लगा। कभी और जुड़ूंगा तो और बताऊंगा, ठीक है? अभी आप और दूसरे कॉलर को ले लीजिए। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। हमारे फैसल भाई के लिए आते साथ ही एक विकेट जो गिरी है, फैसल भाई के लिए एक एक गुलाब का फूल। मैं बहुत पहले तो विकेट गिराना चाह रहा था साहिल भाई, लेकिन मौका नहीं मिलता। आप लोगों का इतना ज्यादा क्रेज है ना कि हम लोगों को मौका नहीं मिलता है जल्दी आने को। आज कैसे मिल गया? आज मिल गया आपको। अच्छा साहिल भाई, एक सवाल था अमित भाई से, मैं कर सकता हूँ क्या? जल्दी से करिए सर, हमें मोमिन की तरफ भी। अमित भाई मैं बोल रहा हूँ, आप क्या एक मुस्लिम है अमित भाई? नहीं भाई। अच्छा अच्छा, समझ गया, ठीक है, और बताने की जरूरत नहीं। थैंक यू अमित भाई। कॉन्सेप्ट में क्या फ्लॉ है और कैरेक्टर वाइज क्या ऐसे शख्स को हम रसूल मान सकते हैं या रोल मॉडल मान सकते हैं, अगर आप इससे भी समझे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा झोल और चक्कर क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच फैसल भाई। थैंक यू ओके।